हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑफिशियल प्रॉपर्टी कलाकार में। दोस्तों, फिर से एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के साथ में आ चुके हैं मथुरा के अंदर, और बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं मथुरा के अंदर बने हुए घर जो कि पूरी डेवलप सोसाइटी के अंदर हो, रोड, बिजली, पानी सारी सुविधाएँ हों। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ पूरा बसावट एरिया। आप आसपास में देख सकते हैं पूरी बसावट हो रखी है, और हमारे पास में यहाँ पे 120 गज, 100 गज, 150 गज, 160 गज के बहुत सारे घर आते रहते हैं, और मेरी पहले भी आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी उसके द्वारा बहुत सारे घर हमने यहाँ पे सेल भी किए हैं। मतलब लास्ट 2-3 साल से बहुत सारे घर मतलब ऑन डिमांड के ऊपर हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 120 गज का सिंप्लेक्स घर, बिल्कुल रेडी टू मूव। मतलब आप कल चाहें कल आके अपना गृह प्रवेश करके रहना स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट रोड है, आप देख सकते हैं कितना वाइट आपको मिल जाता है। मतलब गाड़ी खड़ी करने के बाद में भी पूरा स्पेस आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ तक। मतलब आराम से दो गाड़ियाँ आमने सामने से निकल जाएंगी, ठीक है। सोसाइटी के अंदर सारी सुविधाएं हैं, बराबर में MBDA का प्रोजेक्ट है, और ये पूरा मतलब हमारा मतलब 143R जोन, मतलब ऑटोमेटिक ही इतनी बसावट है कि आपको सारी सुविधाएं गवर्नमेंट वाली मिल जाएंगी। हाईवे की कनेक्टिविटी बिल्कुल, हमारी जो मेन सोसाइटी का गेट है वो ऑन हाईवे पर है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। आपको जन्मभूमि जाना है, वृंदावन जाना है, या फिर गोवर्धन जाना है, तो आप बहुत ईजी तरीके से जा सकते हैं। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर से और पूरा वॉक अराउंड कराता हूँ। जैसे आप अंदर एंटर करते हो ये आपको पूरा मिलता है पार्किंग एरिया, ठीक है। ये पूरा पार्किंग है, और पार्किंग एरिया भी आप देख सकते हैं 120 गज में हमने पूरा आराम से गाड़ी खड़ी करने की पूरी पार्किंग बना रखी है। आप चाहें तो अपनी अंदर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, बाहर चाहें बाहर कर सकते हैं। ये हमने पूरा बाहर की साइड में आप देख सकते हैं पूरा हैवी क्वालिटी का स्टील का गेट लगा रखा है, और ये पूरी रेलिंग हमने ऊपर से पूरा कवर्ड कर रखा है, प्योर स्टील का सब लगा रखा है। अब जैसे आप अंदर आओगे यहाँ से है हमारी मेन एंट्री घर की। जैसे आप अंदर एंटर करोगे तो यहाँ से हमारे मेन एंट्री है। अब जैसे अंदर एंटर करते हो, एंटर करते ही आपको ये पूरा मिलता है। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही है तो थोड़ा सा डिम दिख रहा होगा आपको। बाकी ये हमारा है पूरा गेस्ट रूम, लॉबी एरिया। लॉबी एरिया में आप देख सकते हैं सोफा वगैरह डालने के बाद में भी अपर साइड पूरा दिखाइए, पूरा काम कंप्लीट हो रखा है बढ़िया तरीके से। और ये हमारा किचन पोर्शन, इधर की साइड में ये किचन है, किचन दिखाइए। किचन भी काफ़ी बड़ी वाइट किचन आपको देखने को मिल जाती है। और ये हमारे दो बेडरूम है, ये बेडरूम है, ये बेडरूम दिखाइए, फर्स्ट बेडरूम। और पीछे की साइड में पूरा वेंटिलेशन का स्पेस दे रखा है आपको, पूरा वेंटिलेशन वगैरह। और ये हमारा वॉशरूम एरिया है, ठीक है। वॉशरूम आप देख सकते हैं पीछे आराम से, कितना स्पेसफुल वॉशरूम है और पूरा कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे हाथ वगैरह धोने के लिए यहाँ पे हमने छोड़ रखा है, ठीक है। और ये हमारा सेकंड बेडरूम, तो सेकंड बेडरूम आप देख सकते हैं इसमें अलमीरा वगैरह का काम हो रखा है। आप इसमें अपना कबर्ड वगैरह जो भी चाहें वो लगा सकते हैं, पूरा काम हो रखा है। टेक्चर वगैरह का पूरा काम कंप्लीट हो रखा है, गेट वगैरह सब कुछ मतलब कंप्लीट है। मतलब आप आओगे अपने नाम पे कनेक्शन करवा के और सीधा रहना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाल लगा रखा है एग्जस्ट वेंटिलेशन के लिए, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बेडरूम हो गए, और एक ये लॉबी एरिया हो गया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर से भी दिखाऊंगा इसका, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारा जीना है ऊपर जाने के लिए, यहाँ से आप सीधा जा सकते हैं। और ये हमारा थोड़ा सा कॉमन स्पेस है बाहर की साइड का, जो कि यहाँ पे हमने एक वॉशरूम दे रखा है आप ब्रश वगैरह करने के लिए, यहाँ पे भी पूरा दे रखा है। और एक हमारा गेट ये भी है, मतलब यहाँ से भी आप जा सकते हैं। जैसे आपके कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप उनको यहाँ से एक्सेस देके और अपना लॉबी एरिया में ले जा सकते हैं, आपको बेडरूम में नहीं ले जाना है तो, ठीक है। तो ये पूरा है हमारा, एक बार बाहर से एक और बार दिखा दीजिए घर को, तो आपको पता चल जाएगा इस तरीके से ये पूरा है। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मतलब जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहती है आराम से 4-5 लोगों की फैमिली बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं। बाकी ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, आप ऊपर चाहें ऊपर भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, डुप्लेक्स बनाएं। ढाई फ्लोर तक तो ऑलरेडी पास रहता है, उसके हिसाब से आप जो भी चाहें उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देखिए रोड वगैरह सारे कंप्लीट हैं, आसपास में पूरा बसावट हो रखा है। और ये हमारा पूरा घर है जो कि ऑलरेडी बिल्कुल रेडी टू मूव है, मतलब आप कल चाहें कल से आके रहना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में और ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए। बाकी आप नीचे जो नंबर है उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, और मथुरा के अंदर है। और प्राइस वगैरह जो कुछ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 120 गज का है, 21.5x50 की गहराई और फ्रंट है इसका, सोसाइटी के अंदर है। राधे राधे।